मैं क्या देखूंगा? आप लोग धर्मांतरण को बढ़ावा दे रहे हो, ये सीधे बोलने से समझ में नहीं आ रहा आपको? बुलाओ जिसको बुलाना है, बाकी लोग तो खाली करें भाई। किसलिए खाली करेंगे? बाकी लोग भाई नहीं जाएगा, तो खाली करेंगे। जिसको खाली कराना उसको खाली नहीं करा सकते? खाली करो बोलते कि क्या कर रहे हो? आप लोग के नाप के नीचे हो रहा है और आप लोग की संरक्षण में हो रहा है। हिंदू धर्म और बुला रहे हैं आप। आप लोग एक घंटे से अगरबत्ती जला रहे हो? अभी तो जस्ट पहुंचे। आप अभी पहुंचे? टीआई साहब पहले से हैं यहाँ पे, पूछताछ कर रहे हो? लिखित में शिकायत है पूरे सारे लोगों की? अभी पहुंचे हैं, उसके बाद कार्रवाई होगी। मैं खलबली मच गई जब धर्मांतरण का बहुत बड़ा मुद्दा एक सामने आया। मिट्ठू मुड़ा निवासी सुशीला आवड़े ने थाने में जाकर कंप्लेन की कि मिट्ठू मुड़ा में एक मकान के अंदर में धर्म परिवर्तन किया जा रहा है, जिसके बाद ये बात आग की तरफ पूरे शहर में फैल गई और उनके द्वारा हिंदू संगठनों, विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल, आरएसएस, भाजयुमो, भाजपा सभी के दलों के कार्यकर्ता चंद मिनट में वहां पहुंच गए और मोहल्ले वासियों के साथ पूरे मकान को घेर लिया। मैं इसमें बताना चाहता हूं कि संतोष सिंह और संतोष चौहान के द्वारा इस मकान के अंदर कई दिनों से धर्म परिवर्तन का खेल खेला जा रहा था, जिसके कारण मोहल्लेवासी भी बहुत ज़्यादा परेशान थे और इसमें पुलिस वालों के द्वारा भी कार्रवाई की गई है, जिसमें सुषमा सिंह, दमयंती सिंह और तृप्ति सिंह और संतोष सिंह को गिरफ्तार किया गया है, जिसमें धारा 299 जो गैर जमानती है, 296, 391, 302 और 3 और 5 ये धाराएं लगाई गई हैं, बाकी धाराएं सब जमानती हैं, खाली 299 गैर जमानती हैं। भाजपा अध्यक्ष जिला अध्यक्ष उमेश अग्रवाल ने कड़े तेवर दिखाए और DSP को भयंकर फटकार लगाई और उन्हें कहा कि आपकी नाक के नीचे ये सब कार्य हो रहे हैं और आप लोगों का संरक्षण इन्हें प्राप्त है, इसीलिए धर्म का परिवर्तन यहाँ किया जा रहा है। पुलिस वाले को जमकर लताड़ लगाते हुए भाजपा अध्यक्ष जिला अध्यक्ष ने बहुत कड़ी निंदा की है इसकी और उन्होंने कहा है कि हम हिंदू धर्म के साथ किसी भी प्रकार का खिलवाड़ सहन नहीं करेंगे और जो भी इसमें दोषी पाया जाएगा उसे उचित सजा दिलवाने की हम पूरी कोशिश करेंगे। भाजपा नेता उमेश अग्रवाल का पहली बार ऐसा कड़ा तेवर देखने को मिला है और बाकी मोहल्लेवासी भी इस धर्म परिवर्तन को लेके बहुत नाराज नजर आ रहे थे, काफ़ी दिनों से वे परेशान थे और बाकी अब देखते हैं इसमें पुलिस की क्या रवैया अपनाती है और इसमें क्या कार्रवाई की जाती है। आपको बताना चाहता हूं कि 2 साल पहले भी कोतवाल और थाने में इसी प्रकार का एक मामला आया था, जिसमें रायपुर बिलासपुर से पारसी आके धर्म परिवर्तन करवा रहे थे, जिसे बजरंग दलों ने रंगे हाथों पकड़ा था और थाना कोतवाल रोड के सुपुर्द किया गया था, लेकिन वो मामला बाद में ठंडे बस्तर में चला गया और उसमें किसी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं हुई। ये रायगढ़ जिले का पहला मामला है जिसमें धर्म परिवर्तन में FIR दर्ज हुई है और बाकायदा उन्हें सजा भी दिलवाई जाएगी। उमेश अग्रवाल ने कहा है कि इसमें हम आखिरी तक लड़ाई लड़ेंगे, जो भी इसका सरगना होगा उसे भी पकड़ने के लिए पुलिस को निर्देशित किया है। पीछे से लेके आते ब्लॉक करना पड़ेगा। कौन घुस रहा है? महिलाएं हैं, नहीं समझ रहे हो? सारी आगे तूफान सुनो,
ईश्वर के नाम से प्रार्थना करते हैं, सारी कमजोरी ईश्वर मसीह के नाम से चाहे सारी दुर्बलता ईश्वर के नाम में चाहे सारी रक्त धोने वाली आत्मा ईश्वर के नाम में चाहे घमंड की आत्मा चाहे ईश्वर के नाम में चाहे हर एक प्रकार का प्रभु टेंशन की आत्मा ईश्वर के नाम में चाहे प्रभु हाँ पिता परमेश्वर महाराजा हाँ हालेलुया तेरे वचन में लिखा गया प्रभु हाँ पिता परमेश्वर यस 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 लॉर्ड ओ राजा हालेलुया तो वंदे मातरम सभी को जय श्री राम। यहाँ पे धर्मांतरण है मिठुमरा चौक मेरा नाम वार्ड नंबर 37 भाई लोग सबसे आग्रह है किनारे हो जाना उनको डिस्टर्ब नहीं करना है ना अपन अपने अच्छे आचरण में रहें है ना दीदी दीवा थोड़ा सा किनारे हो जाना उनको कोई मैं तो सभी मोहल्ले वासियों को आग्रह करूंगा कि देखो आप लोगों के बीच एकदम शहर बीच स्टॉक में घर में ऐसा चल रहा है मंत्रण का खेल और नया खेल चालू है रायपुर साइड में बच्चे पैदा कर रहे हैं फिर जिसके पास लड़के नहीं उनके बच्चे पैदा हेलो हिम्मत ही नहीं हो रहा तुहर मोहल्ला में तुम्हारा पता नहीं है तुहर मोहल्ला में धर्मांतरण होते धर्म ला परिवर्तन करा जाते संतोष सिंह चौहान नाम का व्यक्ति का घर है जो सुनने में आया है कि नगर निगम में फायर ब्रिगेड का गाड़ी चढ़ाता है ये घर है जिसमें धर्मांतरण का काम चालू है चालू
अच्छा आ गई डॉन आ गई अपनी घर हाँ पर भी घर की रक्षा कौन करेगा हम करेंगे राष्ट्र की रक्षा कौन करेगा हम करेंगे के दलालों को जूता मारो सालों को जूता मारो सालों को धर्म की रक्षा कौन करेगा हम करेंगे हम करेंगे धर्म की रक्षा कौन करेगा हम करेंगे देश की रक्षा कौन करेगा हम करेंगे देश की रक्षा कौन करेगा हम करेंगे धर्म की रक्षा कौन करेगा हम करेंगे धर्म की रक्षा कौन करेगा हम करेंगे जूता मारो सालों को जूता मारो सालों को वही देश पे राज करेगा हिंदू हित की बात करेगा वही देश का राज करेगा धर्म की रक्षा कौन करेगा हम करेंगे जय जय श्री राम धर्मांतरण के दलालों को जूता मारो सालों को धर्मांतरण के दलालों को जूता मारो सालों को धर्मांतरण के दलालों को जूता मारो देखो पीछे थोड़ी है पीछे देखो देखो पीछे पीछे देखो आधा ये दरवाजा बंद कर दियो विद्रोह करना चाहिए ना तुम्हारा हिंदू है ना होते ना धर्मांतरण रोकना चाहिए ना चलो सामने आओ सब जान झगड़ा करे थे हमारा ना हमारा बोला हमारा हाँ यहाँ सिरा दीदी तुम मोहल्ला के तुम नहीं जाना था अंकुर दिया परदेश घर देखे हो ना हाँ बस गिंगू है हाँ देख रहे आपने पूरा परिवर्तन करो आप अपना इशु पूरा करवा लो सरने में इशू करवाओ इशु सरने में चेंज करवाओ सरने भी चेंज करवाओ क्यों जवान हो गया चौहान क्यों हो गए चौहान क्यों हो गए अपने धर्म को पूरा परिवर्तन करो तुम्हारी क्यों छोड़ेंगे जय श्री राम जय श्री राम आप लोगों को कौन बोलता है कौन अधिकार दिया है हमारे हिंदू देवी देवताओं के खिलाफ बोलने का घर कौन घुसे आपके कोई नहीं घुसा अंदर है घर को भरा है अंदर कोई नहीं गया है अंदर नहीं गया है हम तुम्हारे घर गए हैं हिंदू देवी देवताओं के खिलाफ बात कर रहे हैं क्यों हमारे हिंदू लोग आप लोग लिखा है क्या ठीक है ये जलन के मजबूरी का फायदा उठा रहे हो पैसे के लालच में देकर धर्म परिवर्तन करवा रहे हैं आप लोग पैसा के लालच में खुद बोलिए महिला हमारे दुख में साथ दे रहे हैं पैसा का लालच दे के आप लोग ऐसे करवा रहे हैं ऐसा कुछ नहीं करवा परिवर्तन नहीं करवाते थोड़ा लोग धर्म परिवर्तन क्यों करवाते हैं इस चीज से जवाब दिया जा रहा है खुद
फैमिली है ऊपर, कहाँ कहाँ से आया सब लेडीज को बुलाया आप लोग? झूठ क्यों बोल रहे आप लोग? फिर क्यों आया, कैसे लाले दिए आप लोग? मजदूरी का फायदा उठा रहे उन लोग का, मजदूरी का फायदा उठा रहे आप लोग, मजदूरी का फायदा उठा रहे आप लोग। पैसे के लालच दे के बुजुर्गों को ऐसे लालच दे के पैसा का फायदा उठा रहे हो आप लोग? यहाँ पे जो शिकायत है करो, अंदर करो, नहीं तो फिर मैं यहाँ पे पुलिया मतलब अभी लेडीज से हमने बात की है तो बोल रही है पैसा के लालच। अकाउंट भी चेक करवाइए, अकाउंट भी। एक सेकंड चुप रहो, घर की जांच होती है, घर की जांच होती है, घर में सारा सामान मिलेगा भैया। नगर निगम में सभी के सामने घर को जांच किया जाए, सभी के सामने घर को जांच किया जाए भैया। इसका हिंदू है संतोष चौहान, संतोष चौहान, संतोष चौहान गाड़ी चलाता है निगम में, सरकारी नौकरी में जी, वो सब काम करेंगे। हाँ ये एक एक ये दरवाजा है, उधर पीछे से भी दरवाजा, एक पीछे से दरवाजा है। रोज भैया रोज उसने रोज बजाते परेशान है, थाना में कम्प्लेन का नहीं करे है, हमारे बुलाओ आए ना, हमारा बुलाया था जाए है ना, हम तो मना गए भैया, साथ दे दे जाना, रोज गाना बजा कर जाने मन, इनके गाना बजाने होने से भी परेशान है पूरा मोहल्ले वासी, रोज गाना बजाने रोज बजाते नहीं भैया, कुछ नहीं बोले अपन, तुम जाओ तत्काल लेके लिखित आवेदन रेडी करो, खन का ठाकला मत करो, पूरे मोहल्ले के लोग बोल रहे रोज का आवेदन, हर संडे को प्रार्थना हो रही भाई, झूठ नहीं कहा भैया, एक यहां और एक कमरे से यहां भाई, दो जगह कौन ठीक हुआ है? तो ताकत है, हरियाल बंद करा देवी देवताओं को भी तो ताकत बची नहीं, दिलासा दिला कर मतलब आप बोल रहे हॉस्पिटल बंद कर दें भाई, आपके हिसाब से हॉस्पिटल का कोई मतलब ही नहीं है, सही बात है, आप सही कह रहे हैं, मतलब नहीं बोल रही है करो जी, हमारे हिंदू धर्म के बारे में अपना करो ना जी, अपना करना अपना करो, हमारे हिंदू धर्म में क्यों बात कर रहे हो आप लोग? क्या हो गया अभी, क्या कर रहे हो ये घर वाले हैं? और कौन कौन अंदर? और कौन कौन अंदर? बाहर से कौन आया? एक एक बुजुर्ग महिला है, उसको बोल रही थी गूंगी है, मैं जब पूछा तो वो बक बक बोलने लगी। उनके हिसाब से चली थी, ठीक हो गई, तुरंत ठीक हो गई, आप क्या कर रहे हो भाई? तो काम है प्लीज, सर लोगों को काम करने दीजिए, चले जाते हैं। इसी को बोलते हैं और यही एक्शन जो है विद इन 10-20 मिनट में हो गया, अभी मान कर दी प्रशासन आया, अगर नहीं आता ना तो बेहतर भी हो सकता, उसके लिए भी अप्लाई करना पड़ेगा।
आज 100 लोग हो गए ना इकट्ठा, अभी फट जाएगी। ये नगर निगम कार्यकर्ता है, ड्राइवर ड्राइवर नौकरी खत्म होना चाहिए, धर्मांतरण करवा रहा है। अपने घर को सारा गिरता घर बना दिया चलो चलो कहाँ जाएंगे भाई, बस बस हाँ बदलेश्वर वहीं पे आओ, रोड पे ही है, मैं रोड पे, हाँ भाग गया क्या, नहीं 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 भागे हैं वहाँ ही ये देखिए अंदर बैठे हुए हैं सभी के साथ, आप देख सकते हैं अंदर बैठे हुए हैं सबके सब, सबके सब अंदर बैठे हुए हैं, ताला मार दिए हैं अंदर से जो है देख सकते हैं अंदर से ताला मार दिए हैं, देखिए इतने दिन से चल रहा है, मोहल्ले वाले परेशान है पूरा, मंच माइक सब है, मोहल्ले बैठे हैं इनकी वजह से मोहल्ले वाले पूरा परेशान है, मोहल्ले वाले की सूचना पे हम लोग आए हैं यहाँ पे, ये देखिए यहाँ पे धर्मांतरण हो रहा है, देखिए पूरा माइक कैमरा माइक के साथ स्पीकर के साथ बाहर निकलो सब लगा हुआ है, मोहल्ले वाले की शिकायत पे हम लोग यहाँ पे आए हुए हैं, मोहल्ले वाले पूरा परेशान है इन लोगों से, कमरे बंद में देख सकते हैं, इधर एक और दरवाजा इसको हम लोग बंद कर दिए हैं, हाँ और हमने भगवान का नाम ले रही है, आपके दुख दर्द वो ही दूर करेंगे, बाकी 33 करोड़ देवी देवताओं में कठिन है इसलिए से ये बात कर रहे हैं, हिंदू देवी देवताओं के खिलाफ बात कर रहे हैं, बता रहे हैं उनको तुम्हारे देवी देवताओं में कोई दम नहीं है, धनांतर हो रहा है में हमारे माइक के साथ उनकी प्रार्थना करो, उनको पूजो, उनको ध्यान रखो, ऐसा नहीं है बिल्कुल बोल रहे हैं, ऐसा मैं आपको दिखाता हूँ, कुत्ते रखना अपने बॉडी गार्ड बाहर निकलो। जय जय श्री राम, फोटो खींच रही है, देखिए फोटो खींच रही है, धर्मांतरण कर रहे हैं, धर्मांतरण कर रहे हैं, बाहर निकलो, तेरा घर का मतलब तू धर्मांतरण कंप्लेंट किया जाएगा, तेरा घर का मतलब तू धर्मांतरण, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम।
वाले वाले परेशान है आप लोगों से। क्या प्रमाण हो? किसी को बुलाए हूँ? किसी को आप मोहल्ले वाले बोल रहे हैं? मोहल्ले वाले बोल रहे हैं? आप मोहल्ले वाले बोल रहे हैं? गरीब ना है बताओ, लोगों का कर्ज है। जो डॉक्टरी है क्या जाने जो बुजुर्ग है, बुजुर्ग है लाठी पे बने जाने जो मारे गॉडफादर को बुला, वो बुजुर्ग आदमी क्या जाने की धर्मांतर में इतने साल तक नहीं जानी तेरे गॉडफादर को बुला। कौन तेरे गॉडफादर है? बुलाओ यहाँ पे। कैसे ये हिंदू देवी दबा? ये देखिए ये बोल रहे हैं, यही धर्मांतरण करवा रहा है, ये धर्मांतरण करवा रहा है, ये इधर आ इधर आ। क्या नाम है? अब ये देखिए ये बुजुर्ग आदमी क्या जाने की, ये बुजुर्ग आदमी क्या जाने की धर्मांतरण के बारे में? हम लोग जाते हैं ये अधर्म के लिए। अधर्म नहीं कर रहे हम लोग, अधर्म नहीं कर रहे हैं दीदी, अधर्म नहीं कर रहे हैं, गलत नहीं। वो बुजुर्ग आदमी क्या जाने की धर्मांतरण के बारे में? ये मेरे बताइए आप मेरे को, विरोध नहीं। ये बुजुर्ग आदमी क्या जाने की धर्मांतरण के बारे में? ये माता राम बतिया जाना सर, क्या होता है धर्मांतरण होते जाना सर? यही दो संस्कार नहीं हम देख रहे हैं, हम देख रहे हैं संस्कार नहीं, संस्कार नहीं, हिंदू नहीं, हिंदू नहीं, हिंदू है दूसरे के घर नहीं। यहाँ पे क्यों हो रहा है धर्मांतरण? इनको भेजिए, मैं उनसे बात करूंगा, मैं उनसे बात करूंगा। क्यों भेजोगे? क्यों धर्मांतरण करवा रहे हो आप? क्यों धर्मांतरण करवा रहे हो आप? क्यों क्यों मेहमान है? क्या की मेहमान है? रिकॉर्डिंग रिकॉर्डिंग हो रहा है, सब हो रहा है, रिकॉर्डिंग हो रहा है, लाइव चल रहा है, लाइव चल रहा है इनके माध्यम से। ये बुजुर्ग आदमी है, देखिए बुजुर्ग आदमी है, ये बुजुर्ग आदमी है, क्या जानते हैं धर्मांतरण के बारे में? ये बुजुर्ग आदमी है, क्या जानते हैं धर्मांतरण के बारे में? क्या जानते हैं? क्या जानते हैं धर्मांतरण के बारे में लोग? ए माधाराम ते जाना थस क्या होते यहाँ, क्या होते जाना थस? धर्मांतरण होते जाना थस? तो धर्म ना बदला थे जाना थस? क्या बननी थी? कभी बुलाए बोलो, बुलाओ बुलाए यार, अभी जाने तो नहीं, गरीब लोगों को ये बात है बेटिया, तुम्हें पता है तो धर्मांतरण होते क्या? गुंगी आदमी को आप लोग बुला के ला रहे हो? बताओ गुंगी आदमी बुला के ला रहे हो आप लोग? क्या जाने की बेचारी हो? क्या जाने की बेचारी हो? कैसे आए थे? तो पता है तो धर्म बदला से जाना था? अभी कहा बोल रहे थे गुंगी है? अभी कहा बोल रहे थे गुंगी है? कहाँ से बोलने लगी है? कहाँ से बोलने लगी है? मेरे बात का जवाब दीजिए आप, कहाँ से बोलने लगी है? अभी तो बोले आप गुंगी है, ये गुंगी है बोलिए, गुंगी है बोली बोले आप? आप बंद रखो, बंद रखो मुँह, आप बोले आप बंद रखो, अभी बोले गुंगी है, अभी बोल बोले गुंगी हो, क्यों बोले हो? एकदम सुख रहो, एदाई एतिया एदाई एतिया। तो नाम का है? नाम का है तो नाम का है? मानकी भाई पूरा नाम काली था, दुख में चला था, अमन से बताया, अमन से दुख को मन धर्म पर नाम बदला सर, पूरा दुख परिवर्तन में धर्म परिवर्तन नाम पूरा नाम पैसा का लालच में, जानकी भाई काली पैसा का लालच में तुम धर्म परिवर्तन करिए। हिंदू असना, हिंदू असना थे, हिंदू हिंदू असना, हिंदू खुद बोल रही है, कौन बोला इसे तोला? और ऐसे इन लोग देख सकते हैं, खुद हिंदुओं का धर्म परिवर्तन करवा रहे हैं, तो ऐसा देख हिंदू बजरंगबली के मंदिर जाना चाहिए ना? अभी सुना था ये बोला था इसके गुंगी हस, ते गुंगी हस, ते गुंगी हस का बोले सका नहीं सर, धर्म परिवर्तन करवा रहे हैं, बोले सकता सर, क्या बोला था? गुंगी हस मजबूरी का फायदा उठा रहे हैं, गुंगी बोल रहे हैं, बोल रहे हैं लोग, बोल रहे हैं, ये बोल रहे हैं, बेइज्जती नहीं। मैं क्या देखूंगा? आप लोग धर्मांतरण को बढ़ावा दे रहे हो, ये सीधा बोलने से समझ में नहीं आ रहा आपको? बुलाओ जिसको बुलाना है, बाकी लोग तो खाली करें भाई, किस लिए खाली करेंगे? बाकी लोग जो खाली करेंगे, बाकी लोग जिसको खाली कराना उसको खाली नहीं करा सकते? खाली करो बोलते हैं, क्या कर रहे हो? आप लोग के नाप के नीचे हो रहा है और आप लोग के संरक्षण में हो रहा है, हिंदू धर्म कर रहे हैं और बुला रहे हैं। आप लोग एक घंटे से यहाँ अगरबत्ती जला रहे हो? आप अभी पहुँचे टी आई साहब पहले से हैं यहाँ पे, कर रहे हैं पूछताछ कर रहे हो,
लिखित में शिकायत है पूरे सारे लोगों की। अभी पहुंचे हैं, उनकी बात कार्रवाई होगी, जो होगी सर उनकी बात है। चलो चलो।